hello students we have now we are going to continue chapter 12 second part sector and segment concept these words are not new to you right finding their area will be new now first we'll understand what is sector and what is segment in a circle the area between two radius the area between two radius and corresponding arc and corresponding arc that means this area this is known as sector right what is sector the area between two radius and the corresponding arc up sector means there are two things minor and major the, the minimum area the smaller area is known as minor sector. so this is minor sector and the remaining part is known as major sector radius this is major sector. I hope this is clear. Now what is segment segment. इज द एरिया बिटवीन कॉड एंड कॉरस्पोंडिंग आर्क सो अगर ये सेंटर है ये कॉड है सो एरिया बिटवीन कॉड एंड कॉरस्पोंडिंग आर्क इज नोन एज सेगमेंट इज नोन एज सेगमेंट ठीक है अगेन इसमें दो पार्ट है माइनर एंड मेजर माइनर एंड मेजर दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर सॉरी माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस टू कॉन्सेप्ट डेट इज सेगमेंट एंड सेक्टर हमें कमिंग अप एक्सरसाइज में क्या करना है बेटा ये दोनों एरिया फाइंड करना है सो फर्स्ट आई एल स्टार्ट विद सेक्टर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते है? ठीक है सो द फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वेयर अब थीटा क्या होता है बेटा सर्कल में जो दो रेडियस के बीच में आपका एंगल बनेगा दिस वन दिस एंगल दैट इज थीटा द एंगल बिटवीन टू रेडियस इट विल बी मैंशन टू यू इन द क्वेश्चन अपॉन थ्री सिक्सटी इन टू पाईआर एरिया ऑफ सर्कल सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड दिस इज फॉर माइनर फॉर मेजर मेजर आपका क्या हो गया बेटा ये हो गया सो दे आर टू वेज आइदर यूज थ्री सिक्सटी माइनस टीटा ये पूरा थ्री सिक्सटी होता है माइनस टीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाई स्क्वेयर दैट इज फॉर मेजर सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और यू कैन डू एनी थिंग अगर सपोज आपने पहला पार्ट में माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया है सो यू कैन सप्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ सर्कल इसको हम पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे सो विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये दो फॉर्मूलाज हैं रिलेटेड टू सेक्टर दिस फॉर एरिया व्हाट इफ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये सपोज आपको ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर द फॉर्मूला इज थीटा 360 सिक्सटी इंटू टू पाई आर सकम्फरेंस जहां एरिया होगा वहां लेंथ है वहां पे टू पाईआर थीटा पॉइंट थ्री सिक्सटी आएगा मेजर माइनर इसमें आर्क के लेंथ में नहीं होता ठीक है सो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सेक्टर नाउ सेगमेंट वॉट इफ इफ यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट अब उसके लिए बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं सपोज ये कॉर्ड है और हम ये ज्वाइन कर देते हैं तो इफ यू सी दिस इज एंटायर अ सेक्टर सेक्टर में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे सो विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट आई रिपीट सेक्टर के एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे सो वी विल गेट एरिया ऑफ सेगमेंट राइट सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज जनरल एंड दिस इज फॉर माइनर माइनर सेक्टर नाउ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वेयर आपको आर और थीटा दिया होगा अदरवाइज यू कैन नॉट डू द क्वेश्चन एंड ट्राइंगल का एरिया डिपेंड करते हैं दे आर थ्री केसेस वन इज ओमिटेड दिस वन एंगल विल बी आज टू यू एस फॉर सिक्सटी डिग्री जब थीटा ये एंगल सिक्सटी डिग्री है एंड अदर इज फॉर नाइन्टी डिग्री वन ट्वेंटी वाला डिग्री वाला ओमिट हो चुका है

ठीक है थीटा आपको दिया होगा अगर थीटा इफ थीटा इज सिक्सटी डिग्री द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल, सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला इफ थीटा इज 90 डिग्री देन थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाई स्क्वेर माइनस ये अगर 90 डिग्री है सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट्स इट डोंट वरी किस सेगमेंट केस में आपको थर्टी फोर्टी फाइव या कुछ और देंगे सेगमेंट वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये दो ही पॉसिबिलिटी है सिक्सटी एंड नाइन्टी की ठीक है वन ट्वेंटी का मैंने आपको बोल दिया उमेट हो गया सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द कमिंग अप एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू एंड द मेजर न्यू फार्मूलाज इसके बाद कोई और नया फार्मूला आपको इस चैप्टर में नहीं है सो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पहले सेक्टर सेगमेंट देन हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ सेक्टर देन सेगमेंट में एरिया ही है माइनर हमने फाइंड किया है उसमें दो केसेस हैं एंड फॉर मेजर वाटर बिल्डू फॉर मेजर वाटर बिल्डू मेजर के लिए मेजर सेगमेंट के लिए अगेन सेम थिंग एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट दीज आर द फॉर्मुलाज विच यू हैव टू फॉलो

यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर अगर कुछ नहीं मैंशन है माइनर मेजर मतलब यू हैव टू फाइंड माइनर सो डायरेक्टली विल अप्लाई द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वेर थर्टी थ्री सिक्सटी पाई एंड डिपेंड ऑन द क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में पाई बोला है आपको थ्री पॉइंट वन फोर लेने को तो आपको थ्री पॉइंट वन फोर ही लेना है If you will take 22 by 7, it will be wrong. R 4 up kadhiya hai. You'll do the calculation. Right? The answer will be 4.19 centimeter square approx, Don't leave the answer in fraction. Okay. Now also there is question: find the area of the corresponding major sector now as i mentioned there are two ways for major a is equal to 360 minus theta upon 360 pi r square right so it will be 360 minus 30 upon 360 pi r square 330 अपॉन थ्री सिक्सटी थ्री पॉइंट वन फोर 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 ऑब्वियसली कैलकुलेशंस विल भी लें दी या तो ये या एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनर सेक्टर जो भी आपको कन्वीनियंट हो द आंसर्स विल बी सेम तो दिस इज हाउ वी सॉल्व एरिया ऑफ सेक्ट कुछ नहीं है इसमें सिर्फ आपको आर और थीटा अलग अलग देंगे ठीक है एग्जाम्पल थ्री बेटा इज ओमिटेड राइट इट इज वन ट्वेंटी वाला क्वेश्चन ओके सो विल स्टार्ट डिस्कशन फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू ओके ओके एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू क्वेश्चन टू वन इज सेम एज वॉट आई हैव डिस्कस्ड अब क्वेश्चन टू में सिर्फ एक ही डिफरेंस है बेटा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दर इज अ वर्ड क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट मीन्स दैट थीटा इज नाइंटी डिग्री दैट इज ओनली थिंग यू हैव टू लर्न जहाँ पे भी क्वाड्रेंट वर्ड दिया होगा क्वाड्रेंट मतलब वन फोर्थ थ्री सिक्सटी का वन फोर्थ इज नाइंटी डिग्री राइट इसलिए यहां पे कॉर्ड्रंट वर्ड यूज किया है तो जहां पे भी कॉर्ड वर्ड होगा वहां पे आपको थीटा 90 डिग्री लेना है फाइंड द एरिया एंड सकेंस दिया आपको 22 टू तो कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया था तो circumference से 2 पाई आर से यू विल गेट आर नथिंग इज मेंशन अबाउट पाई टेक 22 टू बाई सेवन टू इन टू ट्वेंटी टू बाई इन आर इज इक्वल टू ट्वेंटी टू आर इज सेवन बाई टू एज आई मेन्शन अर्लियर ट्राई नॉट टू राइट इन डेसिमल। एरिया फाइन करना है आपको ए टीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वेर टीटा नाइनटी है पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन आर सेवन बाई टू इफ यूल टेक थ्री पॉइंट फाइव कैलकुलेशन आपके थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे दिस विल बी फोर जा सेवन इलेवन सेवेंटी सेवन अपॉन एट को आपको डेसिमल में लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर ओके लेट्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन थ्री में क्या डिफरेंट है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज फोर्टीन अनेट क्लॉक का मिनट हैंड का आपको लेंथ दिया है

हाउ मच फाइव इंटू थ्री सिक्सटी अपॉन सिक्सटी राइट थर्टी डिग्री सो ये क्वेश्चन में बस यही डिफरेंस है कि आपको डायरेक्टली आर और थीटा मैंशन नहीं किया है सो so, ये आपको एक्स्ट्रा स्टेप करना है उसके बाद आपको ए फाइन करना है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वेयर कैलकुलेशन यूनिट मेन आपको फाइव मिनट्स दिया था फाइव मिनट्स के लिए आपको उसको एंगल में कन्वर्जन करना पड़ेगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज ओमिटेड रेस्ट ऑल आई थिंक विल बी एबल टू डू अगेन आई एम रिपीटिंग जहां पे भी पाई मेंशन किया है थ्री पॉइंट वन फोर यू हैव टू कंपल्सरी टेक दैट एज थ्री पॉइंट वन फोर एंड कुछ क्वेश्चन में रूट थ्री की वैल्यू भी दी है सेगमेंट वाले क्वेश्चन में सो यू विल डू टेक दैट एज वन पॉइंट सेवन थ्री डिपेंड ऑन द क्वेश्चन लेट्स डू वन सेगमेंट क्वेश्चन ऑल्सो क्वेश्चन सिक्स अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस फोर्टीन सप्टेंडन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री सप्टेंडन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री and radius is 15 cm right? The area, find the area of the corresponding minor and major segments. and yahan pe आपको दिया है pi 3.14 and root 3 एंड रूट थ्री वन पॉइंट सेवन थ्री आप देखो वन पॉइंट सेवन थ्री टू भी ले सकते हैं इसमें भी आपको क्वेश्चन में जो दिया है वो ही वैल्यू लेनी है राइट सो एज फर्स्ट स्टेप आई टोल्ड यू एरिया ऑफ segment is what area of sector sector minus area of triangle sector ka formula theta 360 pi r square triangle as theta is 60 given to you it's an equilateral triangle root 3 by 4 r square ओके वैल्यूज पुट करेंगे सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री पॉइंट वन फोर आर फिफ्टीन फिफ्टीन रूट थ्री की आपको वैल्यू दी है वन पॉइंट सेवन थ्री फोर फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन द बेस्ट वे इज टू टेक दिस फिफ्टीन स्क्वेयर कॉमन एंड डू द कैलकुलेशन अगर आपको रूट थ्री की वैल्यू नहीं दी है तो आंसर आप रूट थ्री में ही लीव कर दोगे सॉल दिस सॉल दिस रूट थ्री एज इट इज रहेगा टेक कॉमन फिफ्टीन स्क्वा आपने कॉमन ले लिया दिस इज वन बाय सिक्स इंटू थ्री पॉइंट सेवन थ्री अपॉन फोर जस्ट सॉल दिस और एल्स रूट थ्री में आंसर कैसे लीव करते हैं हम विल टेक फिफ्टीन स्क्वेयर कॉमन थ्री पॉइंट वन फोर अपॉन सिक्स माइनस रूट थ्री अपॉन फोर टेक एलसीएम थोड़ा बहुत कटिंग फिफ्टीन स्क्वायर आपको सॉल्व करना पड़ेगा टू ट्वेंटी फाइव अगर रूट थ्री की वैल्यू नहीं दी है सो दिस विल बी द आंसर सो दिस इज हाउ यू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट एंड हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म सिक्सटी या 90 ही आएगा मेजर दिस इज फॉर माइनर फॉर मेजर जो भी आपका आंसर आएगा उसको एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करोगे आप गेट आंसर कैलकुलेशन ऑब्वियसली डिफिकल्ट रहेंगी बिकॉज इफ यू सी ओवरऑल द टॉपिक इज ईजी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नाइन

प्लस इवन आई हैव टू टेक दिस आल्सो बिकॉज हम ये भी सिल्वर वायर यूज करें प्लस फाइव डी वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज तो इसमें सेक्टर सेगमेंट का अभी कोई लेना देना नहीं है इट इज बेसिक लॉजिक सरकम्फरेंस ऑफ सर्कल प्लस फाइव डायमीटर इंफॉर्मेशन आपको दी है सेकेंड पार्ट में देअ आस्किंग द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ईच सेक्टर मतलब कोई भी एक फाइंड कर लेंगे सब सेम ही होने वाले नाउ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी आर स्क्वेयर आर तो आपको दिया है थर्टी फाइव बाई टू वॉट अबाउट थीटा? इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट्स आर देर टेन तो थ्री सिक्सटी अपॉन टेन कर देंगे टोटल एंगल होता है थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी को 10 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज दे आर पार्ट्स सो theta will be equal to 36 degree which you will take here this is the only extra thing which i have to teach you and then you have to do the calculation answer in decimal with unit mm square I yahan okay next question see last question is question 13 rest all are same क्वेश्चन है अराउंड टेबल कवर हैज सिक्स इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर सो इट इज समथिंग लाइक दिस ठीक है ये डिजाइन है यहां पर सिक्स इक्वल डिजाइन ठीक है रेडियस ऑफ द कवर इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर फाइन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट थ्री फाइव पर सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड यहाँ पे रूट थ्री दिया है वन पॉइंट सेवन क्वेश्चन पे ही डिपेंड करना है क्या लेना है मै आम रिपीटिंग अगेन ओके सो इफ आई ज्वाइन दिस ये आपको दिया है ट्वेंटी एट पहली चीज चीटा नहीं दिया है ठीटा एज आई हैव एक्सप्लेन नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो जितने पार्टस होंगे उसे डिवाइड कर दोगे सिक्स पार्टस है तो ठीटा विल बी थ्री सिक्सटी अपॉन सिक्स टेन पार्ट्स थे तो अपॉन टेन एट पार्ट्स होंगे तो अपॉन एट तो ठीटा आ गया आपका सिक्सटी डिग्री यू हैव टू राइट दिस स्टेप्स नाओ आपको एक आप फाइंड कर लोगे सो so उसको इंटू सिक्स कर दोगे एंड देन इंटू कॉस्ट यू विल गेट द टोटल कॉस्ट राइट दे आर आस्किंग फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन तो टोटल आपको फाइंड करना पड़ेगा सो नाउ दिस इज वॉट सेक्टर और सेगमेंट इट्स अ सेगमेंट सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल थीटा 360 सिक्सटी पाई आर स्क्वेयर माइनस विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज रूट थ्री अपॉन फोर आर स्क्वेयर टेक आर स्क्वेर कॉमन वैल्यूज दिए आपको ट्वेंटी एट स्क्वेयर सिक्सटी पाइक के बारे में कुछ मैंशन नहीं किया है सो टेक एनी थिंग रूट थ्री आपको यहाँ पर मैंशन किया है पॉइंट फोर कैल्कुलेशन करेंगे इसको इंटू सिक्स करेंगे बिकॉज छः डिज़ाइंस हैं एंड इन जीरो पॉइंट थ्री फाइव यूनिट एक बार आप चेक कर लेना यूनिट सेम होना है तो आंसर विल बी इन रुपीज सो दिस इज एंटायर ट्वेल्व पॉइंट टू ऑल क्वेश्चन रेस्ट क्वेश्चन आर सेम सो एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट फॉर एनी डाउट विल डिस्कस इन द क्लास ओके थैंक यू बेटा